भगवान श्री राम की मूर्ति की पहली झलक का भक्त काफी समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब अयोध्या से रामलला की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस तस्वीर में रामलला की पूरी छवि स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि तस्वीर मूर्ति बनाते वक्त की है। वहीं इस वक्त ये मूर्ति मंदिर में स्थापित की जा चुकी है। गुरुवार को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया गया था। उस वक्त उनकी प्रतिमा पर कपड़े की पट्टी लिपटी हुई थी और उनका चेहरा ढका हुआ था। 51 इंच की श्याम रंग के पत्थर से बनी इस मूर्ति को पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह में रखा गया। अब 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान उनके चेहरे की पट्टी हटाई जाएगी। आपको बता दें कि इस मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने तैयार किया है। इसमें भगवान राम को 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। मूर्ति में भगवान राम का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई दे रहा है। उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान नजर आ रही है। उन्होंने अंगवस्त्र और धोती पहन रखी है। भगवान राम की ये नई मूर्ति 51 इंच की है। इसे श्यामल पत्थर से बनाया गया है और मूर्ति का वजन करीब 150 किलोग्राम है। वहीं जमीन से मापने पर इसकी कुल ऊंचाई 7 फीट के लगभग है। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए राम मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को इस मूर्ति के दर्शन करने को मिल पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए रेडियो सिटी की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।